Hello everyone, in this video I am going to share some kitchen products and also wardrobe organizer. This organizer will make your life very easy and organized. First is automatic dispenser. This automatic dispenser you can use in your kitchen and also in your bathroom. This is utensils cleaner. आप इस तरह की यूटेंसिल क्लीनर की यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी ईजी हो जाता है यूटेंसिल क्लीन करने के लिए। ये बाय वन गेट वन मग हैं जो आप विशाल मेगा मार्ट से परचेज कर सकते हैं। जस्ट 40 रुपीज़ में आपको बाय वन गेट वन ये मग वहाँ मिल जाएगा। ये आपको प्यारी सी सैरी में एक बाउल मिल जाएंगे जो कि ये भी बाय वन गेट वन में आपको मिल जाएगी। 40 रुपीज़ में आपको ये 2 पीसेस मिल जाएंगे। इससे ये बिग साइज बाउल हैं जो कि आपको बाय वन गेट वन में मिल जाएंगी इन जस्ट 99 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको वहाँ बाय वन गेट वन में मिल जाएंगे। ये इंडक्शन बाउल है जो आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसकी सर्विस फ्लैट है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप विशाल मेगा मार्ट से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ किचन काउंटर रैक। इस तरह के जो किचन काउंटर रैक्स होती हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज रखते हैं हमारे काउंटर को। एंड दिस इज स्टोरेज बॉक्स। ये फोल्डेबल स्टोरेज बॉक्स है। आप इसको एज ए स्टूल यूज़ कर सकते हैं एंड ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं हमारे घर में ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स को। दिस इज चॉपिंग बोर्ड। इस तरह के चॉपिंग बोर्ड होते हैं, आप इसमें चॉप करके कोई भी आइटम इसी में स्टोर कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का है। दिस इज गार्बेज बैग होल्डर। तो इस तरह के जो गार्बेज बैग होल्डर होते हैं काफ़ी यूजफुल रहते हैं एंड ये गार्बेज बैग हम रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज क्लोजेट ऑर्गेनाइजर। इस तरह के क्लोजेट ऑर्गेनाइजर आप एज अ टॉय ऑर्गेनाइजर, एज अ क्लोजेट ऑर्गेनाइजर, एज अ लॉन्ड्री बास्केट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा हो तो आप इनको परचेज कर सकते हैं अमेज़ॉन से। मैं इनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पेपर सॉल्ट डिस्पेंसर है जो कि प्लास्टिक का है। नेक्स्ट ये है स्टेनलेस स्टील स्ट्रेनर जो आपको इन जस्ट 179 रुपीज़ में विशाल मेगा मार्ट में मिल जाएगा। एंड ये जग आपको इन जस्ट 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये 1 लीटर जग है तो आप इस तरह के जग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये स्पॉन्ज ऑर्गेनाइज़र। ये काफ़ी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव स्पॉन्ज ऑर्गेनाइज़र है एंड मेटल का है ये। दिस इज़ केन स्टोरेज बास्केट। आप इस तरह के स्टोरेज बास्केट ले सकते हैं, अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं इसको। दिस इज शू रैक। आपको किचन ग्लव्स हैं, अगर आप यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं तो इस तरह के किचन ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। दिस इज़ ओवर वॉशिंग मशीन स्टैंड। आप इस तरह के वॉशिंग मशीन स्टैंड ले सकते हैं जिस पर आप काफ़ी सारे आइटम्स को हैंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल टूथब्रश ऑर्गेनाइज़र। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ कॉर्नर रैक। ये एडिसिव होते हैं, आपको कोई भी होल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरह के एडिसिव कॉर्नर रैक्स आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पॉट होल्डर। ये सिलिकॉन के होते हैं एंड आप इसको होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कोई भी वॉर्म आइटम। दिस इज़ मल्टीपर्पज ग्रेटर। एज यू नो मॉप कितने यूज़ होते हैं हमारे घर में, तो आप इस तरह के फ्लैट मॉप ले सकते हैं
एंड ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं कॉर्नर को क्लीन करने में एंड काफ़ी हैंडी भी रहते हैं ये। ये सिलिकॉन वेकिंग मैट है, इस तरह की जो मैट होती है काफ़ी यूज़फुल रहती है हमारे किचन में, तो आप ले सकते हैं इनको। दिस इज ओवर डोर हैंगर। सो फ्रेंड्स, इस तरह के काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर आपके किचन को, घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं, आपके वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजर्स देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइजर परचेज कर सकते हैं एंड आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।